हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर, जिसमें बताया है उसको कैसे यूज करना है, कितने टाइप से आप उसको फोल्ड कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मैंने बताया है। लेकिन वहां पे आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं कि मेंस्ट्रुअल कप को क्लीन करने का क्या तरीका है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो एवरटीन का ही इंटीमेट वॉश है उससे क्लीन कर सकते हो, पहले के वीडियोस में मैंने उसको बताया है। लेकिन रिसेंटली एवरटीन ने मुझे एक नया प्रोडक्ट भेजा था जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है। भेजा तो उन्होंने काफी दिन पहले, लेकिन उसको मैं यूज करना चाहती थी, फिर उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती थी। फाइनली इस महीने मैंने उसको यूज किया एंड उसका रिव्यू अब आपके साथ दे रही हूँ। तो वो प्रोडक्ट है ये है एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप क्लींजर। ये 100% नेचुरल फॉर्मूला है और नॉन टॉक्सिन है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है एंड 100% सेफ है। तो यहाँ पीछे आपको दिया गया है कि ये कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको वॉश करना है। इसकी प्राइस है 360 रुपीज, बट मैं आपको कुछ लिंक दे दूंगी, वहां से अगर आप परचेस करोगे तो आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिलेगा। और पता नहीं लाइट को क्या हुआ। इसके बाद यहाँ पर ये क्लेम करता है ये पीएच बैलेंस को सही रखता है, 99.9% ये जर्म्स किल करता है, स्टेन को भी ये रिमूव करता है, सारा चीज यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद यहाँ पे तो दिया गया है कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले इसकी मुंह दिखाई तो कर दे। इसको खोलने के बाद आता है ये, आपको दिखाऊं ये रहा। इसको खोलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है और इसके साथ एक आती है ये चीज, तो इसको ब्रश बोलते हैं और ये मेंस्ट्रुअल कप के लिए है। बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स है इसके, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स है। और मैं इसको दिखा देती हूँ कि ये मैं मेंस्ट्रुअल कप है मेरे पास जो मैं यूज नहीं करती है, एक यूज करती हूँ, इसको मैंने रखा हुआ है। मेरे पास 3 मेंस्ट्रुअल कप है और इसको एक यूज करती हूँ, एक ये है और एक न्यू है मेरे पास। तो इसको हम ऐसे इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी कि मैं इसको वॉश कैसे करती हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो जो बाहर यहाँ पे मेंशन किया गया है वही चीज अंदर भी मेंशन किया गया है, सारा चीजें, इसके इंग्रेडिएंट्स भी सारे यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पर ये बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं कि इसको बच्चों से दूर रखना है, प्लस अगर भूल के भी इसका कोई कुछ भी झाग हुआ, कुछ भी आंखों में चला जाए तो फटाक से अपने आंखों को ठंडा पानी से धोना है, बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए, मीन्स इसको आपके बॉडी पे अप्लाई नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि ये पंप फार्मूला में है और इसको यूज करना काफी आसान है। मैं इसको जरा सा यहाँ पे आपको डाल कर दिखा देती हूँ। एकदम लिक्विड वाटर फॉर्म में है और झाग भी इसका अच्छा आता है, मीन्स इसको वॉश करने के टाइम में ये काफी अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, माइल्ड है, इसलिए ये मुझे काफी अच्छा लगा। मैं इसको वॉश भी करके आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसे वॉश करती हूँ। वैसे यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, अगर आप देख पाओ तो अच्छे हैं। इसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना और वहां पे आपको कुछ डिस्काउंट में भी मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि आप दो तरीके से इसको वॉश कर सकते हो, एक आप किसी टब में डाल के वॉश कर सकते हो, दूसरा आप डायरेक्ट मेंस्ट्रुअल कप में ही वॉश कर सकते हो। तो मैं दूसरा तरीका यूज कर रही हूँ। इसमें मेंस्ट्रुअल कप में मैंने फुल पानी रख लिया और इसके बाद 2 ml के लगभग इसमें लिक्विड डाल के इस ब्रश से अच्छे से इसको वॉश करना है। सारा स्टेन इसमें से, जो भी स्टेन रहेगा मेंस्ट्रुअल कप पे, ये अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और ये सबसे अच्छी बात है कि नॉन टॉक्सिन है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको अच्छे से ब्रश करके आप 2 मिनट तक ब्रश करना है और इसके बाद फिर टैप वाटर से धो देना है अच्छे से। इसके बाद मैं जो करती हूँ कि मैं गर्म पानी से इसको एक बार मेंस्ट्रुअल कप को वॉश कर लेती हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, इससे यह ज़्यादा अच्छे से हाइजीनिक हो जाएगा। तो आपको मैंने दिखा दिया कि मेंस्ट्रुअल कप को वॉश कैसे करना है, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और देखिए वॉश होने के बाद ये कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है और बहुत हाइजीनिक भी हो गया है, तो आप ज़रूर यूज़ करें। तो देखा आपने कितना इजी है वॉश करना। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं करते हो तो जरूर कीजिए और ये जरूर मंगवा लीजिए। ये काफी टाइम तक चलेगा क्योंकि पीरियड सिर्फ 4 दिन के लिए होते हैं, आराम से मेरे हिसाब से 6 महीना 7 महीना आराम से चल सकता है।
तो बिल्कुल मंगवा लीजिए। और मेंस्ट्रुअल कप अगर अभी भी आपने इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि मेरे न्यू अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।